बहुत न्यून मात्रा में हुआ। जैसे कोई महात्मा था उसके ज्यादा से ज्यादा 100 भक्तों को सपन आए, लेकिन मनु भैया के आप लोग हजार हजार लोग रोजाना सपने देख के सोते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा सपना देखते हैं कि मनु भैया आए, माथे पे हाथ रखा, शरीर के अंदर से चीज निकली, वहां का दर्द तुरंत गायब हो गया सदा के, ऐसे ही कष्ट निकाल के ले आए। ऐसे ही आपने देखा, ऐसा कोई है व्यक्ति जो अभी यहाँ मौजूद है जिसने ऐसा स्वप्न देखा कि मनु भैया आए, मेरी ये चीज शरीर से निकाली और उसके बाद से वो उसका रोग या कष्ट ठीक हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कोई 10, 11, 12 और इधर 13 ऐसे, ये इतने आदमी यहाँ पे मौजूद है, और 14 इतने आदमी और भी ज्यादा हो सकते हैं, इतने आदमी यहाँ पे मौजूद है और पूरे दिन में आने वाले पता नहीं कितने आदमी मौजूद है। अगर इन सबके अनुभवों को आप इकट्ठा करें तो इतना बड़ा ग्रंथ बनता है, इतना बड़ा। उन्हीं ग्रंथों को आज हम पढ़ते हैं। मेरा मानना यह है कि आज जो जैसा है एक दिन उससे ज्यादा उसको दिखा दिया जाता है, लेकिन मैं धरा पर हूँ, तुम मुझसे मिलने आए हो, मेरे हाथ से यज्ञ करा रहे हो। मैं तो अपने आप को धन्य समझता ही हूँ, लेकिन तुम भी धन्य ही हो कि जो व्यक्ति देव दर्शन कर चुका है, देव दर्शन जिसको प्राप्त हुआ और देव ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि उसके हाथ से देवताओं ने बहुत सारी स्तुतियां लिखाई। और मैं ये मानता हूँ कि जब वो कुछ कराना चाहते हैं किसी से तो उसके हाथ को पकड़ लेता है, तब मेरा हाथ जो पकड़ा उसने उल्टा ही हाथ पकड़ लिया, उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है, ये खब्बा है ये खबड़ू है। जो जिससे लिखता है उसका वही सीधा होता है, जो जिससे काम करता है उसका वही सीधा होता है। तुम जिससे काम करते हो तुम्हारा वही सीधा है, मेरे लिए तो वो उल्टा है तुम्हारा, लेकिन मैं जिससे काम करता हूँ वो मेरा सीधा है। इस तरह से देव कृपा प्राप्त, और जिसको देव कृपा प्राप्त हो जाए उसके संसर्ग में रहने से भी आपका ओरा बढ़ता है, आपकी ऊर्जाएं बढ़ जाती है, आपकी निगेटिविटी थक जाती है। तो मेरे साथ बोलेंगे फिर से जो दोबारा बोलना है, हे शनिदेव महाराज, मनु भैया को साक्षी मानकर हम सब आपको, या मैं आपको दीपदान करता हूँ या करती हूँ, या परिवार सहित दीपदान करता हूँ या फिर करती हूँ, ऐसा बोलना है ना। आप जो संदर्भ लेके बोलेंगे वो, यानी कि आप पूरे परिवार सहित बोलेंगे तो ऐसे बोलना है, अपने लिए बोलेंगे तो ऐसे बोलना है, सबको लेके बोलेंगे तो ऐसे बोलना है, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तब आगे क्या बोलना है ये मेरे साथ फिर से बोलेंगे, तो मेरे दीप को मेरे द्वारा किए गए दीपदान को आप ग्रहण कीजिए, हम पर अनुकंपा कीजिए, हमारे शरीर में, घर में रहने वाले प्रेत को व तांत्रिक के अभिभूत किसी देवता को आप स्तंभित कीजिए, बंधित कीजिए, उसका मर्दन कीजिए, उसके बल का, उसके भार का, उसके द्वारा दी जाने वाली सभी पीड़ाओं का मर्दन कीजिए, हम पर अपनी अनुकंपा कीजिए, हमारे शारीरिक तेज की वृद्धि कीजिए, बल की वृद्धि कीजिए, अपनी अनुकंपा कीजिए, प्रेत के और मलिन देवता के बल को, भार को उनके द्वारा दी जाने वाली पीड़ा को शमन कीजिए, दमन कीजिए, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अब इसमें एक बात आती है, मानव पूछता है, मानव मन, कि जो हमें देता है हम उसको दान कैसे दे सकते हैं? अगर वो हमें देता तो फिर हम हाथ फैला के बैठे रहते, हमें मिलता रहता, हमें तो करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है ना। और तो जो हम उपजाते हैं और स्वेच्छा से जिसको दे देते हैं, ठीक है, उसको तो दान ही बोलते हैं। इसलिए दीप के साथ दीप यज्ञ और दीप दान शुरू से ही जुड़ा हुआ है, वो हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, दीप दान शब्द आया समझ में, वेदोक्त है ये, शास्त्रोक्त है ये नीति, आगे ना, ये यज्ञीय नीति है।
और दीप जो है वो छोटा यज्ञ है, वो किसी मानव का शरीर नहीं है, और उसके अंतर में जो ज्योति जलती है वो कोई आत्मा नहीं है। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, दीप योनि स्वरूप है और वो एक छोटा यज्ञ है, उसके द्वारा अग्निदेव जो भोग लेते हैं उसको सीधा देवता तक पहुँचाते हैं, इसका फल आप प्राप्त करते हैं। बकायदा जैसे मैंने बोला है, अगर आप ऐसे दीप दान करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो सोचने का स्तर है वो भी बढ़ गया, आपके जो शरीर के विकार थे वे घट गए, आप में स्थिरता आ गई, कुछ शांति सी प्राप्त होने लगी। जब आप पहले दीपदान करोगे पितृ को तो कुछ शांति सी प्राप्त होने लगी, आगे ना। हालांकि जो मैंने दूसरी विधि बताई है प्रेत के और देवता के मर्दन के लिए, उसमें आपको दबाव पड़ सकता है, लेकिन अगर आप पितरों को उजागर करना चाहते हैं तो आपको जो मैंने पहले बताया है वो आपके कल्याणकारी है, पूरे जगत के लिए कल्याणकारी है, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है, वो करें, आनंद ले और अपने पितरों को पहले ही दिन से मुक्ति की ओर रास्ता करें, अग्रसर करें। अब पितरों को ही सीधे भोग क्यों ना दें, इसका याद रखिए, क्यों ना दें।